अगर आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का फिफ्थ रूट 2 सेकंड के अंदर निकालना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे बड़े नंबर का फिफ्थ रूट कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट को सीखने के बाद हम आ चुके हैं फिफ्थ रूट ट्रिक सीखने के लिए। तो यहाँ पे भी आपको यूनिट प्लेस वाला नंबर क्या होता है ये जानना काफी जरूरी है। मैंने एग्जांपल पे दे रखा है, रेड कलर से मार्क किया है कि यूनिट प्लेस वाला नंबर क्या है। और आप सभी को ये भी पता है, अगर आपको रूट ढूंढना है किसी चीज का तो उसका ट्री पता होना काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पे 1 से लेके 10 तक 1 to the power of 5, 2 to the power of 5 ये सारे वैल्यू भी हमें पता होने चाहिए। अगर ये हमें पता रहेंगे तो हम इजीली कितना भी बड़ा नंबर हो उसका फिफ्थ रूट ढूंढ पाएंगे। नाउ यहाँ पे एक चीज काफी सिंपल है, अगर आप चेक करो कि अगर 1 to the power of 5 है उसका वैल्यू है, उसका भी यूनिट प्लेस वाला जो आंसर है वो 1 ही होगा। 2 का जो power of 5 का जो आंसर है उसका यूनिट प्लेस का वैल्यू 2 ही होगा। उस तरह आप चेक करोगे 3 का 3 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा। और इसी तरह अगर आप चेक करते जाओ तो आपको आंसर मिलेगा कि 0 का यूनिट प्लेस वाला नंबर 0 है, जैसे 10 का 0 है। नाउ यहाँ पे आप कितने भी बड़े नंबर हो उसका फिफ्थ रूट निकाल सकते हो काफी सिंपल तरीके से। मैं आपको बताऊंगा जितने भी बड़े बड़े नंबर दिखाई दे रहे उसका फिफ्थ रूट हम 2 सेकंड के अंदर निकालेंगे। आपको बस ये याद रखना है कि यूनिट प्लेस वाला नंबर क्या है और किसी भी नंबर का फिफ्थ पावर का वैल्यू क्या आने वाला है। ये याद रखना तो काफी यहाँ पे सिंपल है क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि 1 का 1 है, 2 का 32 मतलब 2 है, 3 का 3 है, 4 का 4 है, 5 का 3125 मतलब एंड में 5 है, 6 का 6 है, मैं जो भी बोल रहा हूँ यूनिट प्लेस वाला नंबर बोल रहा हूँ, 8 का 8 है, 9 का 9 है एंड 0 का 0 है। ओके ना, एक बार ये पता चल गया, अब रूल देखते हैं। रूल काफी सिंपल है कि कितना ही बड़ा नंबर हो आपको पीछे से 5 नंबर को पहले अलग कर लेना है। टेक द लास्ट 5 डिजिट नंबर, यहाँ पे 5 डिजिट नंबर है 62624। अभी आपको यूनिट प्लेस वाले नंबर को देखना है 4। तो यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छा है कि यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है वही आंसर का यूनिट प्लेस वाला नंबर होगा। यहाँ पे 4 है तो आंसर भी 4 ही होगा यूनिट प्लेस वाले नंबर में। नाउ आपको बचे हुए नंबर को चेक करना है और इसे देखना है कि ये किन 2 नंबर के बीच में आ रहा है। नाउ 79 जो है वो 32 एंड 243 के बीच में होगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3 और 2 में छोटा नंबर 2 है तो आंसर आपको बहुत इजीली मिल गया 24, है ना। काफी सिंपल सा ट्रिक है। और इसी तरह आप कितने भी बड़े नंबर हो उसका जो फिफ्थ रूट है बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हो, वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। चलो एक बार बड़ा नंबर लेके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम फिर से पीछे से 5 नंबर को चेकआउट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 71593। यूनिट प्लेस वाला नंबर अगर 3 है तो हमारे आंसर का भी यूनिट प्लेस वाला नंबर 3 होगा, बहुत ही सिंपल है ना। यहाँ पे बचे हुए नंबर चेक करेंगे 20730। नाउ यहाँ पे जो बचा हुआ नंबर है वो भी 5 डिजिट नंबर है तो हमें 20730 कहाँ पे आ रहा है उसे चेक करना है। नाउ 20730 7 और 8 के 5 पावर के बीच में आएगा। अगर आप अच्छे से देखो तो 7 और 8 में 7 छोटा है तो आंसर आपको मिल गया 73, है ना। काफी सिंपल, नंबर काफी बड़ा और आंसर एकदम 2 सेकंड के अंदर आपके पास। नौ यहाँ पे और बड़ा नंबर चाहिए तो और बड़ा नंबर ले सकते हो आप लोग। नौ यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, लास्ट के 5 डिजिट नंबर को आपको सेपरेट कर लेना है। लास्ट का 5 डिजिट नंबर क्या है, 07968। आपको यहाँ पे यूनिट प्लेस वाले नंबर को चेक करना है, अगर यूनिट प्लेस वाला नंबर 8 है तो आंसर में भी यूनिट प्लेस वाला नंबर 8 ही होगा। नौ यहाँ पे आपको यूनिट प्लेस वाला नंबर मिल चुका है 8। नौ यहाँ पे बचा हुआ नंबर जो है 90392, इसे आपको चेक कर लेना है कि ये किसके बीच में आएगा। नाउ ये जो नंबर है अगर मैं देखूँ तो 9 और 10 के बीच में आ रहा है, तो 9 छोटा है और 10 बड़ा,
तो ऑब्वियसली छोटा वाले नंबर को हमें प्रेफरेंस देना है। तो आंसर यहाँ पे हमें सिंपली मिल चुका है 98, है ना, काफी सिंपल। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आए इसे शेयर करो एंड